बाबा साहब डाक नंबर की 127वीं जयंती पर आज के चीफ गेस्ट बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश से पूर्व विधायक अनेक प्रदेशों के रहे प्रांतों के प्रभारी सम्मानी सम्मान के आदरणीय मान्य महेश आर्य जी दिल्ली प्रदेश को लंबे समय से देख रहे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानी आदरणीय सीपी सिंह साहब दिल्ली प्रदेश में भाईचारा कमेटी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सम्मानी केएल रजरा जी हमारे बीच में इस लोकसभा के जोनल कोऑर्डिनेटर श्री टी आर गौतम जी दूसरे जोनल कोऑर्डिनेटर सम्मानित धैम सिंह जी तीसरे जोनल कोऑर्डिनेटर सम्मानित जसवीर सिंह जी चौथे जोनल कोऑर्डिनेटर सम्मानित रणजीत सिंह जी सम्मानित जिले के अध्यक्ष पन्नालाल जी और गोंडा जिला के अध्यक्ष सम्मानित राजकुमार जी और हमारे बीच में इस जिले के मुख्य प्रभारी सोमलाल बोस जी हमारे जिले में प्रभारी सम्मानित राम मोहन गौतम जी एडवोकेट अजीत कुमार जी सोनलाल प्रेमी जी चतुर्भुज जी गौतम जी सम्मानित हमारे दूसरे प्रभारी वकील सराज जी जयवीर सिंह जाटव जी सुंदर विनोद जी सुरेंद्र कुमार नीलम जी और इस क्षेत्र के विधानसभा और जिले में प्रभारी सम्मानित कन्हैया लाल जी हमारे इस जिले में उपाध्यक्ष सम्मानित हाजी अफजाल जी इस जिले के महासचिव सम्मान अब्दुल रहमान जी समस्त जिला कमेटी हमारे जिले में सचिव और इस प्रोग्राम के में मेहनत करने वाले और आज मैं उनकी घोषणा कर रहा हूँ वो जिले में प्रभारी हैं और आज के बाद वो इस जिले के महासचिव घोषित किया जाता है सम्मानित पहलवान जी को सम्मानित हमारे बीच में विधानसभा में हमारे जो महासचिव रहे सम्मानित जयवीर सिंह कटारिया जी जो गोकुलपुर विधानसभा के महासचिव रहेंगे और खोबा जी हमारे बीच में हैं ईश्वर खोबा जी को हम इस विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाने का काम किया जा रहा है उनको भी धन्यवाद देने का काम करें। सम्मानित हमारे विधानसभा अध्यक्ष विजय आनंद जी कमल किशोर जी मनोज प्रधान जी मनोज कुमार जी गुरुप्रकाश बोस जी मनोज सागर जी ब्रजमोहन जी शेर सिंह जी और डॉक्टर हरिदास ये हमारे 10 विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सम्मानित हमारी गायक मंडली सामने बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों मेरे माता पिता मेरी माता मेरी बहनें बहुजन समाज के सिपाहियों मैं तहे दिल से सभी का मैं नाम जानता हूं। इधर हमारे एसएम न्यूज के साथी मनोज पीपल जी सम्मानित छोटे लाल जी सम्मानित रतन जी सम्मानित हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी रहे मणिप्रकाश जी सम्मानित प्रिंसिपल केपी सिंह जी छोटे लाल बोस जी मैं सभी का नथुलाल बोस जी तहे दिल से सभी का स्वागत करते हुए इधर कन्हैया जी नाम मैं सभी के जानता हूं कि नाम लेना बहुत लंबा समय लग जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ आपका सभी का दिल की गहरे स्वागत करते हुए आज हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इन सभी जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए सहयोग दिया है मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप हमेशा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बनाने के लिए और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप हमेशा आप ही सहयोग देते रहे क्योंकि किसी दल को चलाने के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है टाइम टैलेंट और ट्रेजर्स। यदि एक चीज की भी कमी पड़ जाएगी तो निश्चित रूप से दल कमजोर की तरह जाता है। मेरा मानना है ये बहुजन समाज का आंदोलन है आंदोलन कभी खत्म नहीं होते आंदोलन हमेशा उतार चढ़ाव चलते हैं समुद्र की लहरों की तरह। मैं मान सकता हूँ बीच में शीतलता आई होगी लेकिन आज फिर दिल्ली प्रदेश में
पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की आवाज फिर दमदार से खड़ी हो चुकी है। इस देश के करोड़ों लोग आज बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है, यदि आप सब लोग यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को की हिफाजत करना चाहते हो, रक्षा करना चाहते हो, इसको दिशा देना चाहते हो, तो निश्चित तौर से बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। और क्यों बनाना होगा? जो संविधान की हिफाजत नहीं करता तो निश्चित तौर से समाज की भी हिफाजत नहीं हो सकती। जो आदमी, जो मेरे समाज के लोग, यदि आप लोग इस संविधान की हिफाजत नहीं करेंगे तो आपकी भी देश में हिफाजत होने वाली नहीं। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, यदि आप सब लोग इस देश के संविधान की रक्षा नहीं करोगे तो आपकी भी इस देश में रक्षा नहीं हो सकती। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ, यदि मेरे समाज के लोग इस संविधान को दिशा नहीं दोगे तो आपको भी देश में दिशा मिलने वाली नहीं। इसलिए हमें बहन जी को, इस देश को हमें प्रधानमंत्री बनाना होगा। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1944 को मद्रास की जनसभा में संबोधित बोलते हुए कहा, हे मेरे समाज के लोगों, मैंने आपको वोट का तो अधिकार दे दिया है, इस वोट की ताकत से इस देश में तुम शासक बन सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मेरे समाज के लोगों, आपको अपना वोट एक दिशा एक दल में देनी होगी, जब ही आप यहाँ शासक बन सकते हैं। इसी बात को दोहराते हुए 25 अक्टूबर 1945 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उत्तर प्रदेश की धरती पर संबोधित कहते हुए कहा, हे मेरे समाज के लोगों, मैं जानता हूं कि तुम अकेले इस देश में शासक नहीं बन सकते, आपको बतानी होगी, ओबीसी समाज के लोगों को बतानी होगी, मुस्लिम समाज के लोगों को बतानी होगी कि आपकी दूसरे दल में आपकी लंबी पूछ तो हो सकती है, आपकी दूसरी सरकारों में आपकी पूछ लंबी तो हो सकती है, लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप अपने साथ ओबीसी समाज को, मुस्लिम समाज को इकट्ठा कर उनको बताना होगा कि तुम भी चौथे वर्ण में आते हो, इस हिंदू व्यवस्था के आधार पर तुम भी चौथे वर्ग में आते हो, ना तुम यहां ब्राह्मण, ना तुम ठाकुर, ना तुम वैश्य, और चौथा कौन सा, तुम भी शूद्र समाज में आते हो। हम आपके छोटे भाई हैं और आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि देश की व्यवस्था में हम दोनों को अनटचेबल और टचेबल ने बांटने का काम यहाँ की हिंदू व्यवस्था में करने का काम किया। उनको बताना होगा कि निश्चित तौर से आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, आप ही चौथे वर्ग में आते हैं। यदि आपने बताने का काम किया, इस देश में बहुजन बन जाएगा, जिस दिन बहुजन बन जाएगा उस दिन देश के शासक आप लोग बनने का काम करेंगे। इसी बात को दोहराते हुए 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन तो कर दिया है, अब राजा मतपेटी से पैदा होगा और आपके वोटों से होगा। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं, मैंने आपको अपनी वोट की ताकत आपको दे दी है, इस वोट की ताकत से आप लोग इस देश में देने वाले बन जाएंगे, अब आपको आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, मैं देश में आपको गुलामी से छुटकारा देने के लिए मैंने आपका मूल वोट दिया है, यदि आपने इस वोट को बेचने का काम किया, शराब या 500,000 रुपए बेचने का काम किया या धोती कपड़े में बेचने का काम किया, यदि अपना वोट आप बेचने का काम करेंगे तो आपको भी देश में सम्मान मिलने वाला नहीं। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर ने कहा, वो मेरा मानना है।
हे मेरे समाज के लोगों, हे भोजसवा पार्टी के लोगों, मेरा मानना है जिस समाज का नेता होता है, जिस समाज के दल की सरकार होती है, जिस समाज के शासक होता है, उन्हीं लोगों को आर्थिक सम्मान मिलता है, उन्हीं लोगों को सामाजिक सम्मान मिलता है, उन्हीं लोगों को राजनीतिक सम्मान मिलता है, उन्हीं लोगों को धार्मिक सम्मान मिलता है। यदि आप सब लोग इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लाना चाहते हो, इस देश में अम्बेडकरवाद को लाना चाहते हो, अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद केवल संविधान है। जिस दिन संविधान को हम इस देश की दिशा देने का काम करेंगे, जिस दिन हिफाजत करने की बात करेंगे, इसको रक्षा देने की बात करेंगे, इसको लागू करने की बात करेंगे, उस दिन एक जो भी इस धरती पर बच्चा पैदा होगा, एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, एक भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। इस देश में जो भी जन्म लेगा, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिया है। इस देश में जो बच्चा पैदा होगा, पहले से लेकर बीए डॉक्टर इंजीनियर आईएएस पीसीएस, जो भी उस पर खर्च होगा सरकार की जिम्मेदारी होगी। वो सरकार उसको पढ़ाने के लिखने के लिए तमाम जो खर्च होगा सरकार उसका वहन करने की काम करेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरी जिम्मेदारी दी, इस देश में जो भी बच्चा पढ़ लिख कर तैयार होगा, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। उन्होंने कहा एक अगर बच्चे को रोजगार देने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये संविधान में मैंने आपको ताकत के आधार पर, इस संविधान में मैंने आपको मौलिक अधिकार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने ये भी कहा यदि मेरा कोई बच्चा पढ़ लिखने में कमजोर है, उसके उद्योग धंधे के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी, उसको फ्री ऋण देने की जिम्मेदारी होगी, उस सरकार की जिम्मेदारी होगी। समाप्त ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, यदि आप सब लोग यहाँ अपना दिशा देना चाहते हो, आज हम सबको प्रतिज्ञा करके जाना होगा। आज हमें कसम खा के जानी होगी कि आने वाले 2019 में सरकार अपनी बनानी होगी। और इस बात को 2 अप्रैल में देश के युवाओं ने, देश की जनता ने, मेरे समाज के लोगों ने बता दिया है कि अभी तो ली अंगड़ाई है और बाकी अभी लड़ाई है। तो मेरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, मैं आपसे वादा करता हूं, आज मेरी पार्टी के नेता भी वादा करते हैं, यदि समाज पर कोई भी अत्याचार शोषण होता है, कोई आदमी मेरी बहन बेटी के सामने को मेरे उठाने की कोशिश करता है, उसकी आंख निकाल ली जाएगी। और अत्याचार शोषण भी करता है, हम यहाँ के डीसीपी एसीपी के दरवाजों पर, उनके ऑफिसों पर धरना देने का काम करेंगे। और हम झुकने वाले नहीं, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हम झुकना नहीं सीखना चाहते। तो आपसे मेरा नाम निवेदन है, यदि आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर, हम निश्चित तौर से प्रतिज्ञा करते हैं। और हमारे आज के चीफ गेस्ट माननीय महेश हाजी जी ने आपको लंबे समय अपनी बात को रखा, इधर माननीय अध्यक्ष जी ने रखा, मैं तमाम दिन से आपका स्वागत करता हूं, वो धन्यवाद देता हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जगदीश से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्व यहां अध्यक्ष रहे, उनसे मेरा निवेदन है, सभी मेरे कार्यकर्ताओं, पुराने नए लोगों से, रतन से मेरा रिक्वेस्ट है, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो यही बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा। इसलिए एक कार्यकर्ता, पुराने नए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हमें बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना होगा। अरे सम्मान हम पाएंगे तो अपमान भी हमें मिलेगा, लेकिन जब अपमान मिलेगा तो सम्मान भी मिलना निश्चित है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर, मैं तमाम अपने सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे जिले के, पूरे लोकसभा के कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और इधर विशेष तौर से अपने साथी पहलवान, उधर मणि प्रकाश, इधर जो लगे हमारे साथी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष पीआर गौतम जी, हेम सिंह जी,
इधर हमारे तमाम जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेट लगे, विधानसभा की गोली लगी, जिले गोली लगी, वही इधर मैं अपने पदम सिंह जी से और हमारे महेंद्र सिंह बेगनल जी से तमाम बाम सेक के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी हमें आपकी सहयोग देकर इस मंच को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती को जो मनाने का काम किया है। मैं अत्यंत से आपका स्वागत करता हूं, फिर आपके सामने भी बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, सभी को नमस्कार, सभी को सलाम अलैकुम, सभी को खुदा हाफिज।